इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न बहुत से एग्जाम में आए हुए हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूँ, और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो प्रश्न फर्स्ट है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो वो हुई थी बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वो है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? वो है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? वो है मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? वो है असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? वो है विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा है? तो वो है विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति, जिसको तीनों सेनाओं का कमांडर भी कहते हैं। अभी तीनों सेनाओं में एक और प्रमुख है, उसको बोलते हैं CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो है विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? वो है तमिलनाडु। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो वो है पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेर्ड ने। जॉन लोगी बेर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो वो लेती है गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? वो दिया था भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? वो होता 1919 ईस्वी में अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो वो की थी फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? वो दिया था मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी संतोष यादव। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? वो की गई थी राजा राजाराम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम? वो था मूल शंकर। वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया? ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वो था पुर्तगाल का। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल स्थित है जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? वो है गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वो है बैसाखी। लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? वो कहा जाता है सरदार पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वो है महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस की तारीख 8 मई को मनाया जाता है।
और सूर्योदय का देश कौन से सूर्योदय सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो वो है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो वो है केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? वो है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? वो है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो वो होता है 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वो है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो वो है संक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? वो की थी हेनरी बेकरल ने। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो वो है हृदय गति से, हृदय की गति नापने से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वो है पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो वो है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? वो किया था रोंट जन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो वो है तांबा। अंतरिक्ष यात्री को ब्राह्मण आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? वो दिखाई पड़ता है काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? वो है बम्बई से ठाणे। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई? तो वो की गई थी कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? हुआ था 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम कौन थे? वो थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? वो थे त्रिग्वेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य थे? उस समय जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ उस समय देश थे 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? वो होते हैं 15 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, होलैंड में। होलैंड में द हेग शहर में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वह है वान बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा 87 नंबर प्रश्न आप एक बार और देख लीजिएगा, अभी शायद ये चेंज हो गए। बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान शायद अभी ये नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी।
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? वो चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो वो था दक्षिण सूडान, ये 193वां देश था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? वो होता है विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? वो था अनुच्छेद नंबर 343। ये प्रश्न जरूर याद कर लेना, अनुच्छेद नंबर 343। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन थे? वो है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो वो होता है 4 वर्ष बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, कहाँ हुए थे? सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? वो थे रियो डी जिनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? वो है मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? वो है गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? वो बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। तो ये थे आज के 100 प्रश्न।